जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा था कि इस चैनल पर आपको अच्छी अच्छी वीडियोस और हर सब्जेक्ट की कंपटीशन से जुड़ी हुई वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पे आपको अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को और समझने को मिल जाएगा। तो इसी सीरीज़ में अब हम रीजनिंग भी शुरू करने जा रहे हैं, रीजनिंग की भी आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो देखेंगे रीजनिंग में जो फर्स्ट चैप्टर है वो देखेंगे हम एनालॉजी सादृश्यता। इन क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस में जो शुरू के दो टर्म होते हैं उनका जो आपस में रिलेशन होता है वही तीसरे और चौथे का आपस में भी रिलेशन होता है। जो संबंध पहले दूसरे टर्म का है वही इन दोनों का भी होता है। तो इसी प्रकार हम देख लेंगे, क्या देखेंगे भाई, इनमें आपस में क्या संबंध है वो देख लेंगे भाई। ई के बाद एफ नेक्स्ट है, जी एच आई दो जोड़ रहा है, आई जे के और एल तीसरे नंबर पे आ रहा है, तीन ऐड हो रहा है, और के जो है के के बाद जो ओ है ये प्लस फोर हो रहा है। आप इनके नंबर भी लिख सकते हैं भाई, ई आता है पांचवें नंबर पे, जी सेवन पर, आई नाइन पर और के इलेवन पर। इधर देखेंगे एफ सिक्स आई नाइन, देखेंगे एफ सिक्स पर आता है, आई नाइन पर आता है, एल जे के एल ट्वेल्व पर आता है और ओ जो है हमारा वो फिफ्टीन पर आता है। आप देखेंगे प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, इलेवन प्लस फोर, तो वन टू थ्री फोर ऐड हो रहा है। एफ एफ में प्लस वन करेंगे तो एफ के बाद आ जाएगा हमारा एफ जी एच, आई छोड़ा जे, जे के बाद तीन छोड़ेंगे, जे के बाद क्या आएगा के एल और तीसरा आ जाएगा एम, और एल जो है हमारा आता है जे के एल बारह नंबर पर, चार इसमें ऐड किए तो हो गया सिक्सटीन, और सिक्सटीन पर आता है हमारा पी। तो जी जे एम पी, ये सी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये टीचर है और इसको इस तरह से लिखा गया है, तो एलिमेंट को किस तरह लिखा जाएगा देखने की कोशिश करेंगे। तो टी ई ए आपस में इंटरचेंज कर दिए गए हैं, ए आगे ई टी, और सी को डी में कन्वर्ट कर दिया है एक नेक्स्ट, और इनको भी आपस में तीन को कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसी प्रकार इनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे, ई एल ई, एम का अगला एम से नेक्स्ट एन, और ई एन टी का हो जाएगा टी एन ई, टी एन ई, तो ई एल ई एन टी एन ई हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देख लेंगे इसको, ई एल ई, सॉरी सॉरी ई ई नहीं है, ये ई एल ई, ई एल ई एन टी एन ई, डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15 को 32 लिखा गया है, 15 का जो 32 से संबंध है वही 32 का अगले नंबर से क्या होगा, तो ये हमें क्लियर दिख रहा है, 15 दूनी 30, उसमें दो ऐड क्या हुआ है, यानी कि डबल करके टू ऐड है, तो डबल करेंगे 32 का डबल दो गुना हो जाएगा 64, दो ऐड किया तो 66, ये हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 8 को 65 से किस तरह संबंधित है, भाई 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, एक जोड़ रखा है, तो 11 का स्क्वायर 121, एक जोड़ेंगे तो 122, ये बी जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम देखें 8 ही गुना हो रहा है तो 11 का 8 गुना 88 प्लस 1 89 ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर 122 ही रहेगा। समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखेंगे कैसे, एक तरीका तो ये है कि आप देख लो सिंपल भाई, ए में 4 जुड़ रहा है, डी में एच 4 ऐड है, बी में एफ 4 ऐड है, और सी में जी 4 ऐड है, भाई ए एक नंबर पे, डी 4 पे, बी 2 पे, सी का नंबर है 3, ई 5 8, ई एफ 6 और जी 7, देखो 4 4 4 और 4,
तो आई आता है 9 नंबर पे, 4 8 13 13 पे आता है, एम एल जे के एल 12 12 4 16, 16 पे आता है एम एन ओ पी जे, जे होता है 10 पे, 4 8 किया 14, 14 पे आता है एन और के 11 प्लस 4 15 ओ, तो एम पी एन ओ, चार चार ऐड करेंगे तो हमारा MPNO ऑप्शन बन जाएगा। देखें जरा ध्यान से, एक बार और देख लेंगे। इनके नंबर लिख सकते हैं हम I9, LJKL12, J10 और KJK11। चार चार ऐड करो, 13 16 14 15, 13 पर आता है M, 16 पर P, N और O, MPNO। चार चार ऐड करने के बाद ये हो जाएगा। आप A से लेकर Z तक के नंबर आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इनकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है याद करने की, कभी और किसी और वीडियो में हम बता देंगे। ये क्वेश्चन देखेंगे सामने, ACEGSUWI, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इनका आपस में देखें, ए बी छोड़ा, सी के बाद डी छोड़ा, ए के बाद जी छोड़ा, और यहाँ पे एस के बाद टी यू, बी छोड़ा डब्लू और एक्स छोड़ा वाई। इनका नंबर देख लेंगे कितना, 1 3 5 7, एस आता है 19 पे, टी यू 21, डब्लू 23 और वाई है 25। 18 18 ऐड हो रहा है हमारा, ठीक है। और एक एक नंबर छोड़ के, यहाँ भी एक एक छोड़ रखा है, सी डी ई एफ जी एच, तो बी 2 4 6 8, 18 ऐड किया, 20 22 24 और 26, 20वें नंबर पे क्या आता है, टी एस टी, यू छोड़ा, वी वी डब्लू, एक्स डब्लू छोड़ा एक्स और एक्स के वाई, वाई छोड़ा जेड, तो टी वी एक्स बाई 26 24 और ये टी वी एक्स जेड, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, टी वी एक्स जेड, ठीक है। देखेंगे ये क्वेश्चन हम, तो ध्यान से देखेंगे, हमें दिखेगा नंबर एन यू चेंज हो रहा है, यू एन आगे पीछे, बी एम पी का बी, एम ई आर का आर ई, तो इसी प्रकार चेंज करेंगे, जी एच का एच जी, एस ओ एस का एस ओ और टी का कोई है नहीं इंटरचेंज, तो टी का टी रह जाएगा, तो एच जी एस ओ टी ये ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर हम ओ को सेम रखें तो ये बनेगा, लेकिन ये गलत होगा, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इंटरचेंज करेंगे दो दो नंबर लेकर शुरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, टॉक स्पीक, तो लिसन का क्या होगा, ये बेसिकली हमें दिख रहे हैं, टॉक और स्पीक दोनों का मतलब होता है बात करना, तो ये जो है सेम मीनिंग है, समान अर्थक है शब्द, तो लिसन, लिसन का म्यूजिक नहीं होगा, ईयर नहीं होगा, हियर हो जाएगा, लिसन मतलब भी सुनना और हियर मतलब भी सुनना, तो सेम मीनिंग के हिसाब से इसका जो आंसर है वो हियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अदालत, अदालत में क्या मिलता है, न्याय मिलता है, तो विद्यालय में क्या मिलेगी, अध्यापक, छात्र, शिक्षा, विद्यालय का काम होता है शिक्षा देना, तो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, अदालत में न्याय इंसाफ मिलता है, इसी प्रकार विद्यालय में शिक्षा मिलेगी, तो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बर्तन, चम्मच, तो कैलेंडर का क्या ऑप्शन के साथ संबंध होगा, इसको देख सकते हैं हम, भाई बर्तन का पार्ट चम्मच कह सकते हैं कि बर्तन का, बर्तन के अंदर चम्मच होता है, या फिर बर्तन का हिस्सा है चम्मच, तो इसी प्रकार कैलेंडर का हिस्सा समय नहीं होगा, समय तो घड़ी होती है, घड़ी में दिखता है समय, तो कैलेंडर का जो होगा हिस्सा, जो कैलेंडर जिससे बनता है वो होती है तारीख, बर्तन में चम्मच होता है और कैलेंडर में तारीख होती है, तो इस तरह से इसका जो है हम अर्थ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीश, न्याय, संसद, मंत्री, निर्वाचन, कानून या फिर राष्ट्र। न्यायाधीश, न्याय, न्यायाधीश क्या करते हैं, न्याय करते हैं, यानी कि जज जो होते हैं कोर्ट में वो जजमेंट करते हैं, इंसाफ देते हैं, जस्टिस, न्याय देते हैं, तो इसी प्रकार संसद में क्या होता है, संसद में क्या मंत्री दिए जाते हैं, निर्वाचन नहीं,
संसद में कानून बनता है, तो जिस प्रकार न्यायाधीश न्याय का काम करते हैं, न्याय देने का काम करते हैं, इसी प्रकार संसद जो है हमारी वो कानून बनाने का जो है काम करती है। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। आम जिस प्रकार फल होता है, तो मूली इस प्रकार क्या है? आम फल होता है, मूली इस प्रकार क्या है? तना है, फूल है, जड़ है या फूल है? ना तो फूल है और ना ही फल है, ठीक है। अब बचा तना या फिर जड़, क्या है? तो मूली जो है वो है जड़, ठीक है। तो सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। कबूतर जिस तरह से शांति का प्रयोग है, इसी प्रकार सफ़ेद झंडा किस चीज़ का प्रतीक होता है? तो सफ़ेद झंडा जीत का भी प्रतीक नहीं होता, युद्ध का भी नहीं होता। अब बचा मित्रता और आत्मसमर्पण। तो सफ़ेद झंडा जो है वो आत्मसमर्पण का यानी के सरेंडर का प्रतीक होता है। तो इस तरह से आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस और ज़्यादा देखने को मिल जाए समझने के लिए इजी मेथड से, इजी तरीके से।